चल यार चल सवार चल दुनिया नहीं है बबल। निकलो यहाँ से और खबरदार आइंदा इस इलाके में नजर आए तुम तो। अरे अर्ज किया है मैंने, अर्ज तोड़ देनी है आज तुम्हारी। अरे जानी, तेरी जानी तो मैं निकालता हूँ ना आज। अरे हुजूर, पहले हमारी अर्ज तो सुन लीजिए। कर अर्ज कर। अर्ज किया है, देखिए वो खत हमने आपकी बीवियों को नहीं लिखे थे। हाँ जानी, वो खत तो हमने आफरीन को लिखे थे। अरे जानी, आफरीन हमारा बरसों पुराना प्यार है, हम तीनों इकट्ठा हुआ करते थे कॉलेज में। जी, और इसी ही की वजह से मैं अपनी आफरीन से जुदा हुआ था, अपनी प्यारी आफरीन से जुदा हो गया। झूठ है ये, बोहतान है। वो तो हमेशा से हमें पसंद करती रही है जानी। आफरीन मेरी, आफरीन मेरी है, मेरी है जानी, आफरीन मेरी। अरे यार बस कर दे, आप लोग एक दूसरे की जान ले लेंगे आफरीन आंटी के चक्कर में, बस करें। छोड़ो यार, अरे इस उम्र में ये घटिया हरकतें करते अच्छे लगते हैं आप लोग। मैं साहब, आपको अच्छा लगता है इस उम्र में घटिया हरकतें करना? भाई मैं पूछ रहा हूँ। अर्ज किया है, देखिए अब तो हम यहाँ रह सकते हैं ना। हाँ, लेकिन फिर कोई खत हाथ ना लगे हमारे। हाँ, वरना हर खत का 5,000 रुपया जुर्माना होगा आप पर। चलो नबीर, अपनी बीवियों को बताते हैं चल के कि वो खत इन्होंने उनके लिए नहीं लिखे थे। अर्ज किया है, यही रुकना। मिस्री नाज, मुझे बड़ा वो लग रहा है। वो क्या माँ जी? वो जो तुझे चूहे को देख के लगता है ना डर। आज मुझे ना बड़ा डर लग रहा है, कहीं मसाऊद ने उन लोगों की जान ही ना ले ली हो। कोई जान वान नहीं लेगा माँ जी, लेकिन हम उन्हें घर में नहीं रख सकते। मैं तो कहती हूँ रजवाना, माफ कर देते उन्हें, सिर्फ खती तो लिखे थे उन्होंने हमें। माँ जी क्या हो गया, होश में तो है, क्या हुआ रवि, निकाल दिया उन दोनों को? नहीं जानू, वो खत दरअसल उन्होंने तुम्हें नहीं लिखा था। इसका मतलब है कि वो दोनों लव लेटर मेरे लिए थे। मुमताज। अच्छा, मुमताज के लिए थे। अरे नहीं भाई, वो खत उन्होंने आफरीन आंटी के लिए लिखा था। हाँ, और वो दोनों ना जवानी से आफरीन के पीछे थे। मैं तो कहती हूँ उन्हें घर से निकालो नबी। ओ जानू रहने दो ना यार, तुम्हें थोड़ा लिखा था खत उन्होंने, उन्होंने तो आंटी को लिखा था और आंटी को मिला नहीं, सब सेट है यार। हाँ। हम अपना क्यों नुकसान करें? और क्या, और अगर हम उन्हें निकालेंगे नबील तो हमें उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे किराए वाले। हाँ ना। हाँ रहने दे, तो बस क्या पता अगली बार वो मुझे ही सचमुच खत लिखे। मुमताज। मैं मुमताज को नहीं, मुझे। माँ जी कंट्रोल करें, कंट्रोल करें माँ जी। अमीर, अबे जनाब अमीर, मैं कहाँ रह गया, अभी हद हो गई। क्या हो गया जानी? आइएगा, लो भाई नाश्ता भी खैर बहुत टिका के कर लिया होगा, उसके बाद हवाई जहाज जरूरिया से भी फारिग हो गए। अर्ज किया है, अब काम की बात सुनिए। शराफत से मेरे रास्ते से हट जाना और सिद्क दिल से मेरी प्यारी आफरीन को अपनी भाभी कबूल कर ले। यानी हम दिल की बात आफरीन से कहेंगे, वो कभी इनकार नहीं करेंगी, हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अरे जनाब, आपसे ज्यादा तो मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। हम ज्यादा चाहते हैं, हम उससे ज्यादा प्यार करते हैं, हम तुमसे ज्यादा उससे प्यार करते हैं। अरे क्या आप दोनों मुझे आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना सालों पहले करते थे? आफरीन, मैंने तुम्हारे प्यार में आज तक शादी नहीं की, और ये इसका जो बड़ा बेटा है ना, उसका बड़ा बेटा दुबई में है, उसके माशाल्लाह 4 बच्चे। बच्चे हैं तो क्या हुआ, बीवी तो नहीं रही जानी। अर्ज किया है आफरीन, बस तुम मुझसे शादी करोगे और सिर्फ मुझी से करोगी। आफरीन जानी, आप हमसे शादी कर ले, हम आपको शहजादी की तरह रखेंगे। शहजादी इसकी मरहूमा बीवी का नाम था, जिसपे ये बहुत तशद्दुद करता था और वह बेचारी क्यों भी नहीं करती थी। चुप कर बुड्ढे, बुड्ढा है तू, तू होगा बुड्ढा, बुड्ढा तू है, 102 साल का हो रहा तू। अरे आप लोग लड़ना तो बंद करें, मुझे सोचने का वक्त तो दे। मैं भी अपना घर बसाना चाहती हूँ, मैं भी शादी करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को शाम को बताती हूँ, मुझे शाम तक का वक्त है बस। लो भाई, अर्ज किया है कि शाम को कुछ भी हो जाए, फैसला मेरे ही हक में होगा। की नहीं जानी, वो शादी हम से ही करेगी। पर शक्ल देखी तो उन्हें अपनी कभी बात सुन। चल ऐसा करते हैं, हम दोनों में वो मेरे मालिक
महमूद साहब यार जल्दी से जाए, पीछे दुकान है राणा रिजवान की, वहां से सस्ती सस्ती सब्जियां लेके आए। यार नबील अब तो हमारे पास काफी पैसे आ गए हैं यार, अब तो ये सब्जियां वब्जियां ना खिलवाओ, कोई मटन मंगवाओ ना। ओ यार मैं मुसाब राल मत टपकाए यार, अरे भाई वो बुजुर्ग लोग हैं, उनका मैदा जो है ना वो मटन वटन बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। आपके लिए मैंने एक बड़े बुजुर्ग किस्म के जो है ना वो बैल का गोश्त मंगवाया, टेंशन ना ले। ये बैल हुई देखे भाई कौन है। कौन यार, पैसे बड़े खर्च हो रहे हैं, दड़ा दड़। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा आप ही को कह रहे हैं, मैं तो बाबा लगता नहीं। मैं तुम्हें कहां से बाबा लग रहा हूँ, खुद ही हो गए बाबे। मेरा खाना उड़ी बाबा कह रहे हैं। अरे नहीं मुझे लग रहा है ये मुझे बेली बा बाबा कह रहे हैं। ये भी तो हो सकता है महमूद साहब, तुमसे मिलने को दिल करता है, अरे बाबा कह रहे हो। हाँ ये ठीक है नबीर। अच्छा ये बताओ भाई तुम हो कौन? भैया मंजूर है बाबा, मंजूर। नहीं 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 भाई, अरे तुम तो किसी हाल में भी मंजूर नहीं हो हमें। ना 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 मजाक मत करो बाबा, हम यह कमरा किराए पे लेने के लिए आया है। ओ पापा कोई कमरा खाली नहीं है, बस तुम जाओ। इतना बड़ा बंगला है, कोई कमरा खाली नहीं है? देखो हमको कमरा दे दो, हम तुम्हारा रेगुलर कस्टमर बन जाएगा, हम महीने में 2-3 दिन कराची जरूर आता है। अरे पर कोई कमरा खाली ही नहीं है भाई, कहाँ से दे? अरे पापा हम मुंह मांगा किराया देगा, पैसा बहुत है हमारे पास। एक सेकेंड महमूद साहब, क्यों ना उन दोनों बुड्ढों में से एक को फारिग करें यार, वैसे भी हर वक्त लड़ते ही रहते हैं। हाँ बात तो तुम ठीक कह रहे हो नबील, और ये फिर मुंह मांगा किराया देने को भी तैयार है। बाबा एक बात बताओ, तुम कितना किराया दे सकते हो? साईं एक काम करो, बाबा ये उठाएं बाबा। साईं ये लो, ये 50,000 है पूरे एक दिन का। 50,000 एक दिन का? महमूद साहब आप तशरीफ रखे, हम लोग कमरा खाली करा के अभी अभी आए बैठे। कब आओगे तुम आओगे? अबे जनाब अमीर, जब से हमने दिल की बात कही है ये आफरीन तो ऊपर से नीचे नहीं आ रहे। अरे वो कहीं हमसे खफा होकर ऊपर से ऊपर तो नहीं चली गई जानी? इस वजह से ऊपर नहीं निकली होंगी, कहीं तो मैं उन्होंने गलती से गौर से देख लिया होगा। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जानी हम तो सीढ़ियों पे देख रहे थे कि धूल कितनी है, और मैं इसका ध्यान रखे खड़ा था कि ये कहीं धूल चाटी ना ले, क्योंकि हमने बड़ा बड़ा को धूल चटवा दी भाई, ये तो चीज ही कोई नहीं है। हमें सब पता चल गया कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप लोग आफरीन जी के चक्कर में खड़े है ना। हाँ और आप लोगों की ये चोरी हरकतों की वजह से हम लोगों ने ये डिसीजन ले लिया है कि आप दोनों में से किसी एक को ये घर छोड़ के जाना होगा। हमने नया गेस्ट भी ढूंढ लिया है, अब आप दोनों में से कोई एक जल्द से जल्द जो है वो कमरा खाली करे प्लीज। अरे भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है? आसान सी बात है, अमीर यहाँ से दबा हो जाएगा, मेरा मतलब अमीर यहाँ से चला जाएगा। जानी हम क्यों चले जाए, तुम चले जाओ। देखिए ये मत भूलिए, हम आप दोनों को इस गेस्ट हाउस से निकाल सकते हैं। अरे भाई ऐसे कैसे निकाल दोगे? अर्ज किया है कि आप लोगों ने हमसे एडवांस पैसे ले रखे हैं। हम पुलिस बुलवा लेंगे। जानी हम अभी पुलिस को फोन करते हैं। अरे 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 क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? हम तो मजाक कर रहे थे, हम मजाक भी नहीं समझते आप अमीर साहब, कैसी बात कर रहे हैं? अरे जब तक आपका दिल चाहता है आप यहाँ पे रहे और आफरीन को पटाने की पूरी कोशिश करें। हम अभी आए। लो भाई दोनों बहुत अच्छे लगे हैं, और तुम? ओहो मैं तो कहता हूँ पुलिस आ ही जाए, दोनों काम हो जाएंगे। तुझ पे मैं 2-4 किलो मंशियात डलवा दूंगा, लगे हाथों खस कम जहां पाक। वो मंजूर साहब आई एम रियली सॉरी, हम आपको कमरा नहीं दे सकते। क्यों बाबा? वो इसलिए कि अभी फिलहाल ना कोई कमरा खाली नहीं है, आप अपने ये पैसे वापस ले लीजिए। हम पैसे वापस नहीं लेगा, हमें कमरा चाहिए अभी के अभी। अभी कमरा कहाँ से दें आपको यार, सारे कमरे बुक हैं, अपने पैसे पकड़े और जाएं यहाँ से। हम कहीं नहीं जाएगा, तुम लोगों ने हमसे एडवांस लिया है पूरा 50,000 रुपया, पुलिस बुलाएगा हम अभी। पुलिस कैसे आ गई बीच में भाई? देखो कमरा तो तुम लोगों को देना पड़ेगा, वरना पुलिस आएगा ही आएगा। क्या है, जाओ 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 बुला लो पुलिस को। क्या कर रहे हैं महमूद साहब, अगर पुलिस तक बात गई तो मुश्ताक तक जाएगी, अच्छी खासी कमाई बंद हो जाएगी यार। तो फिर क्या करें नबील, कहाँ रखें इसे? मेरा ख्याल है महमूद साहब इसको ड्राइंग रूम में रख लेते हैं। अरे ड्राइंग रूम में कैसे रखे, हमारी बीवियाँ नहीं मानेंगी यार। आप खुद ही तो मुझे कह रहे थे कि आप इस घर का सरबराह मैं हूँ, जो मैं फैसला करूंगा वही होगा। हाँ। तो मैंने ये फैसला कर लिया कि इसको ड्राइंग रूम में रखेंगे। चले जी चले, आए अंदर आए। सही, हमारा सामान उठाओ, चलो। चले महमूद साहब, सामान उठा लो ना, पैसे मैंने उठा लिया।
आई आई आप आइए, इतना आइए यार, सामान ले आइए यार, अबे मुझे अकेला छोड़ दिया यार। आइए आइए सही आइए सही आइए आइए सही आइए 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 आइए। ये कौन है नबील? देखने में तो इंसान ही लग रहा है। बाबा हम मंजूर है, वैसे कमरा हमको बहुत पसंद आया साईं। जानू इनसे मिलो, ये हमारे चौथे गेस्ट हैं, साईं मंजूर। हाँ, और आज से ये ड्राइंग रूम इनका है। शाबाश। तो भाई हम कहाँ जाएंगे मसूर? आओ माँ जी, क्या हो गया, इतना बड़ा लाउंज है, चारों मिलकर वहाँ रहेंगे सुकून के साथ। और क्या, सवेरे से लैट्रीन भी नहीं गई हूँ मैं, और मैंने शावर भी नहीं लिया। तो क्या हो गया आप लोगों को, कंट्रोल करें यार, बिजनेस अंपायर ऐसे नहीं खड़ी हो जाती। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, सबर करना पड़ता है यार। चलें ड्राइंग रूम खाली करें प्लीज। चलो आई जल्दी करो, कोई मानी शानी का इंतजाम करो, बहुत भूख लगी हमको। आपको खाने के लिए जो कुछ भी चाहिए ना, महमूद साहब और नबील से मांगे। मैं और माँ जी अब किसी गेस्ट के लिए कोई काम नहीं करने वाले। चले माँ जी, चलो ठीक कह रही है। आप टेंशन ना ले, आपको भूख लगी हुई है? नहीं, बहुत जोर से भूख लगी हुई है, कुछ करो इंतजाम। टेंशन ना ले महमूद साहब, आपके लिए कुछ ना कुछ अभी बना देते हैं। महमूद साहब 8-10 आलू वाले या मूली वाले पराठे बना देते। मैं कैसे बनाऊंगा? अरे महमूद साहब क्या हो गया, इतने अच्छे पराठे बनाते हैं हम। रफ्तार रफ्तार वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्तार रफ्तार वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्तार रफ्तार वो मेरी हस्ती का सामा। अस्सलामुअलैकुम, सही मैं पूछ ही सकता हूँ आप कौन है? जी मैं आफरीन हूँ, यहाँ गेस्ट हूँ। अरे सही मैं भी गेस्ट हूँ, पैसा बहुत है मेरे पास, मैंने आते ही झटपट कमरा खरीद लिया। बहुत अच्छी बात है, सही हम तो सारी बातें अच्छी करता है। सही हमारा नाम मंजूर है, भूलना मत, नाम याद रखना बस। आप करते क्या है? सही हम 5 टाइम खाना खाता है, 3 टाइम चाय पीता है, फिर आप जैसी कोई खूबसूरत लड़की मिल जाए तो फिर उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं। आप बहुत मजाई हैं। साईं मैं मजाया नहीं हूँ, मंजूर हूँ, मंजूर। वैसे आप शादीशुदा हैं? जी नहीं। वाह साईं वाह, मतलब बिल्कुल मेरी तरह कुंवारी। अच्छा आप भी शादीशुदा नहीं हैं? अरे मेरी 2 शादी हुई हुई है, आपको देख के तीसरी का मूड बन गया। साईं मजाक कर रहे हैं, हम भी आपकी तरह बिल्कुल तना है। अर्ज किया है की आके पत्थर तो मेरे सहन में 2-4। भाई जरा पेट पीछे कीजिएगा, ये आज लग रहा है इस कुर्सी का आखिरी दिन है, ये इतना बेतहाशा इंसान यहाँ कौन रख गया और ये यहाँ कर क्या रहा है? आफरीन जानी, ये तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा? अरे हम क्यों परेशान करेगा अपनी दोस्त को? दोस्त? अरे बाबा तुम नौकर रहो, नौकर रहो, जाओ हमको तंग नहीं करो, चाय शाय लेके आओ हमारे लिए। जानी हम नौकर नहीं है, यहाँ गेस्ट है, तुम अंदर जाओ, हमें आफरीन जानी से कुछ जरूरी बात करनी है। साईं ऐसी क्या बात करनी है, जो बात करनी है हमारे सामने करो, इधर के इधर। आफरीन जानी आपने जवाब नहीं दिया अभी तक। भाई हम तो कह रहे हैं इसको साफ जवाब दीजिए और हमारे लिए हाँ कह दीजिए। देखें मैं इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं कर सकती, मुझे इस बारे में सोचना होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है साईं, एक काम करते हैं, हम दोनों अंदर चल के बैठते हैं और तसल्ली से सोचते हैं। अरे जानी ये चल क्या रहा है? अरे भाई जो भी चल रहा है, सबसे पहले जरूरी काम तो ये है कि आफरीन की आंखों का ऑपरेशन करवाया जाए डस्का से, क्योंकि उनको पहचान ही नहीं रही कि हैंडसम क्या होता है और गोश्त का पहाड़ क्या होता है। बड़ी। नबील बेटा जी, जी, जी। जरा पानी गर्म करके ऊपर तो पहुंचा दो। जी जस जस जी जी मुनासिब लाया आंटी, अभी लाया यार, जा, जा, जा। गर्म करना पड़ेगा, काम पे लगो। जस बड़ी बट वाह, गोया के वाह। अर्ज किया है अगर 1 कप गर्मा गर्म दूध पत्ती का बना के आप हमारे कमरे में पहुंचा दें तो ऐन नवाजिश होगी। बहुत शुक्रिया। अर्ज किया है या हुक्म दिया है?
अरे भाई आप अपनी बेगम को बाथरूम से निकालिए, पिछले 2 घंटे से अंदर है, उन्हें बाहर निकालिए, हम कहाँ जाएं? देखिए अगर आपको बहुत ही इमरजेंसी है ना तो एक काम करें, ये हमारे घर के साथ ही ना एक खुला मैदान है, वहाँ बहुत सी झाड़ियाँ हैं, आप वहाँ चले जाइए। लेकिन सुने, आराम से बैठिएगा और आवाज ना निकालिएगा, कुत्ते पड़ जाते हैं। अरे जानी कैसी बातें कर रहे हैं आप, हमें बाथरूम जाना है। अच्छा यार मैं सब पानी मैंने गर्म रख लिया। अरे बाबा हमको भी लेटरिन जाना है यार, हमने गेस्ट हाउस बनाया है मूसा, हमने क्या टॉयलेट्स बनाए हैं यार। क्या करें नबील यार, अब तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। अरे पिछले 1 घंटे से रोका हुआ है, अब बर्दाश्त से बाहर तो होगा ना। ओ यार आप मेरे साथ आए, मैं आपको आशिक साहब के बाथरूम में ले जाता हूँ। मैं मूसा, आप ना आफरीन आंटी को पानी भिजवा दें यार ऊपर। अरे जानी ये बाल्टी हम दे आते हैं। साईं खून खराबा हो जाएगा लेकिन आफरीन को बाल्टी देने मैं जाऊंगा। हमको बताओ कि बाल्टी है किधर और पहुंचानी किधर है। ये बाल्टी किचन में है और ऊपर पहुंचानी है। अरे 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 आप कहां जा रहे हैं आफरीन साहब? ये क्या हो रहा है इस घर में कभी? अरे ये बाल्टी इधर इधर इधर, ये बाल्टी ये बाल्टी। अरे मैंने तो चाय बनानी थी। चाय बना, चाय बना, चाय बना। आफरीन बाबा, आफरीन बाहर आओ। आपने क्यों सहमत की? अरे साईं हम तो सारी जिंदगी आपके दरवाजे के बाहर बाल्टी लेके खड़ा रह सकता है। पर आप ऐसा क्यों करेंगे? साईं हम आपको बताने आए हैं कि हमारा शादी होने वाला है। शादी किसके साथ? भाई अगर आप हाँ कर दो तो आपके साथ, नहीं तो। नहीं तो क्या आप किसी और से शादी कर लेंगे? नहीं तो हम जान से मार देगा। आप मुझे जान से मार देंगे? आपको कैसे जान से मार सकता है, हम खुद को जान से मार देगा। आप उसे इतनी मोहब्बत करने लगे मंजूर? साईं आपको क्या बताऊं कितनी मोहब्बत करता है। साईं आप बस हाँ बोलो, सादगी से निकाह करेंगे और फिर गाँव जाके बड़ा वलीमा करेंगे। साईं 4 गाँव का मालिक हूँ, 4 गाँव का आपको मलका बना के रखूंगा। अगर ऐसा है तो मुझे मंजूर है। अरे साईं खुश कर दिया तुमने। साईं अगर माइंड ना करो तो एक रोमांटिक गाना हो जाए। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। सिंगल गवाना है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक गवाना है मन चला, रखा था जूने गाहों से बचा के। दिल सीधा सादा है, मुश्किल इरादा है, ओ, है ओ। नहीं तू क्या कर रही है सुल्ताना? खूबसूरत कहे माजी। मैं तुझे खामखा खूबसूरत कहूँ क्या? क्योंकि वो मेरा नाम है। तेरा नाम वो है, ये कैसा नाम है? ओह गॉड माँ जी, मैं जा रही हूँ पापा के पास, मैं नहीं रह सकती इस घर में। हाँ शुभाना बड़ा खराब हो रहा है इस घर का माहौल। क्या मतलब? वो लान में ना बुढ़ा बुढ़ी एटम नंबर कर रहे हैं। तौबा तौबा, इतनी शर्म आई है मुझे कि बड़ी मुश्किल से मैंने देखा है। क्या? माँ जी हमें कुछ करना चाहिए। हम तो कर लेंगे मगर हमारे शौहरों से मंजूर भाई जैसा डांस नहीं होना। माँ जी मैं डांस की बात नहीं कर रही। तो फिर हमें उन्हें इस घर से निकालना होगा। हाँ तो आप फिर फील और मसाऊद को बताते हैं। महमूद साहब रुलते गए हैं, परचस बड़ी आई है। यार मैं सोच रहा था महमूद साहब क्यों ना हम एक मुलाजमा रख ले अच्छी सी, वो काम करे और हम लोग नोट गिने नोट। नबील क्या है तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन अभी फिलहाल इस बात को छोड़ो, वो तो जब आएगी तब देखा जाएगा ना। अभी वो पैसे निकालो ना, आज तक का हिसाब करते हैं। वो कौन से हिस्से महमूद साहब, मैंने महीने के आखिर में अचानक आपको सैलरी दे देनी है। देखो नबील मैं इस गेस्ट हाउस में ना 50% का पार्टनर हूँ तुम्हारे साथ। मैं तनख्वाह क्यों लूं तुमसे, मैं कोई तुम्हारी नौकरी करता हूँ? महमूद साहब पार्टनर वाली शक्ल है आपकी? अरे तो तुम्हारी टी शर्ट है पार्टनर वाली। शफीक शफीक दील। ओ क्या हुआ माँ जी? कुछ पता भी है तुम्हें क्या चल रहा है इस घर में? जानू सुबह से तुम्हें हर रंगो नस्ल के बुजुर्ग चलते फिरते देख रहा हूँ। वो शहीन और गफूर लॉन में बाहर रोमांस कर रहे थे। माँ जी का मतलब है आफरीन और मंजूर अंकल। इससे पहले कि मोहल्ले वालों की शिकायतें आनी शुरू हो जाएं, ये बुलबुले गेस्ट हाउस बंद करो और निकालो उन सबको यहाँ से। खूबसूरत बिल्कुल ठीक कह रही है नबील, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यार महमूद साहब अगर अचानक से सबको इकट्ठे निकाल दिया तो बिजनेस ठप हो जाएगा, सबको पैसे वापस करने पड़ेंगे। भाई पुत्र तू शर्मीन को निकाल, सारे फसाद की वो है। आप ठीक कह रही है माँ जी, ये जो आफरीन आंटी है इन्होंने तीनों बुड्ढों का
चौथे का भी थोड़ा सा दिमाग खराब किया हुआ है, इन्हीं को निकालना पड़ेगा अपनी नंदी को। चलिए आए ना, सब निकालो। अरे भाई मेरा तो दिल घबरा रहा है, ये आफरीन कहाँ चली गई? यानी वो आपके प्रपोजल से खफा होकर चली गई है। अरे वो तो मुझे हार करने ही वाली थी कि बीच में तुम्हारा मुंह आ गया। तुम्हारी शायद बकवास उसे पसंद नहीं आई जो वो इधर उधर हो गई कहीं। जानी कहाँ चली गई मेरी आफरीन? अब फिक्र दुरुस्त कर ले, तुम्हारी नहीं मेरी आफरीन। भाई जगलोल मगलोल, अरे तुम लोगों ने आफरीन को देखा है कहीं? जानी सवाल तो ये बनता है कि आप दोनों क्यों ढूंढ रहे हैं आफरीन को? भाई जानी के बच्चे उसे इस घर से निकालने के लिए। क्या? अरे भाई उन्हें क्यों निकाल रहे हो? हाँ भाई हमने उन्हें कमरा नहीं देना, हम उनके पैसे वापस करने के लिए तैयार हैं। हाँ। भाई फिर हमारे भी पैसे वापस कीजिए क्योंकि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जानी हम तो आए आफरीन के लिए थे। मैं भी भाई अब हम आफरीन के साथ ही जाएंगे। लाओ भाई हमारे पैसे निकालो। हाँ हाँ हमारे पैसे वापस करें वरना हम पुलिस बुला लेंगे। तो यार ये क्या बात हुई कि पुलिस बुला लेंगे हर बात पे आप पुलिस बुला रहे हैं यार। आफरीन आंटी का इंतजार करें ना यार। मैं मुसा ये तो पैसे वापस मांग रहे हैं। इतना भाई आफरीन कब आएगी? जानी तुम्हारे मरने के बाद। मरूंगा तो खैर मैं, तुम्हें मारने के बाद। अल्लाह मार देश यार। महमूद साहब क्या करें यार, ये बुजुर्ग तो आफरीन आंटी के बगैर रहने को तैयार ही नहीं है कोई भी। यार नबील मैं तो कहता हूँ एक काम करो यार, मंजूर को आफरीन को रख लेते हैं, इन दोनों बाबों की छुट्टी करवाते हैं यार। यार उनको आप तो बाबा रह गए ना यार। जानी हमें निकालने का सोचिए कभी मत। मेरा एक दूर पार का रिश्तेदार, यूं तो भांजा ही लगता है, अरसा हो गया उससे मुलाकात हुई नहीं, कई साल हो गए, लेकिन बावजूद इसके मेरी एक फोन कॉल पे सर के बल दौड़ता हुआ यहाँ आएगा। उसका नाम है मुश्ताक, इंस्पेक्टर मुश्ताक। अस्सलाम वालेकुम। आफरीन, आफरीन है तुम पे। ये क्या है आफरीन? जानी अब हम दोनों ने निकाह कर लिया है, आप सबको मुबारक हो। अब हमको भी तो मुबारक दो ना। अभी देता हूँ तुम्हें मुबारक। मुबारक हो, बहुत मुबारक हो आप दोनों को। हम बस यही बताने आए थे, अब हम दोनों हनीमून पर जा रहे हैं। बाबा हमारा नौकर आएगा थोड़ी देर में और हम दोनों का सामान ले जाएगा। बाबा अभी हम चलते हैं, ठीक है? मेरी आफरीन चली गई। अब तेरी आफरीन कहाँ से हो गई? अल्लाह को यही मंजूर था कि वो मंजूर की हो गई, मंजूर की हो गई। ओ कोई नहीं जवानों, दिल छोटा मत करो, हिम्मत नहीं हारनी। इस मोहल्ले में बहुत सारी आंटी है गैर शादी शुदा। हाँ और जब तक आपका दिल चाहे यहाँ रहे आराम से। हाँ आधे किराए में। अबे भाड़ में गया तेरा आधा किराया और ये तेरा गेस्ट हाउस। जानी तुम ही लोग लाए थे ना उस मंजूर को, ये गेस्ट हाउस ही मनहूस है। चल आशिक। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, अब हम यहाँ एक लम्हा भी नहीं रुकेंगे। चल बे निकाल हमारे पैसे जो एडवांस लिए थे। पैसे तो खर्च दिया हमने पहले। क्या चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस बार चल।